अनामिका मिश्रा एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम डबल पोर्शन मल्टीपर्पज बैग स्टिच करेंगे जो कुछ इस तरह से है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने डबल पोर्शन मल्टीपर्पज बैग स्टिच किया है। देखिए, एक पॉकेट हमने इस साइड से दी है और एक पॉकेट हमने इस साइड से दी है। इस पॉकेट को देखिए, हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। ऐसे हम पूरी जिप को ओपन करेंगे और इसमें देखिए अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस दिया है। यहाँ पर अपना कोई भी सामान इसमें सेट करते हुए आप रख सकती हैं। और ऐसे ही हम दूसरी पॉकेट को भी ओपन कर लेंगे और इसमें भी देखिए अंदर की साइड में हमने काफ़ी स्पेस दिया है। यहाँ पर भी अपना कोई भी सामान सेट करते हुए आप रख सकती हैं। और दोनों पॉकेट्स देखिए इक्वल हैं, दोनों एक जैसी पॉकेट हैं। अपना कोई भी सामान दोनों पॉकेट्स में सेट करते हुए आप रख सकती हैं। और अंदर का पार्ट्स देखिए दोनों साइड से काफ़ी नीटली स्टिच हुआ है। बहुत ही खूबसूरत बैग स्टिच हुआ है फ्रेंड्स। इसमें अपने सामान को सेट करते हुए दोनों साइड से जिप को लॉक कर दीजिए। इसे हम लॉक कर देंगे दोनों साइड से और इस हैंडल से हम इसको कैरी करेंगे। ये बैग काफ़ी यूजफुल है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स। और इस बैग को स्टिच करने के लिए हमें हाफ मीटर प्लेन फैब्रिक और हाफ मीटर प्रिंटेड फैब्रिक चाहिए होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस में कोई भी बैग या हैंड बैग या ट्रेवल बैग, कोई भी बैग पसंद आ रहा हो तो आप मेरे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके उस बैग को आप परचेज कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा मल्टीपर्पज़ बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। फ्रेंड्स, आज हम ये डबल पोर्शन मल्टीपर्पज़ बैग स्टिच करेंगे। नाउ लेट्स गो एंड स्टार्ट द वर्क। तो फ्रेंड्स, मल्टीपर्पज़ बैग बनाने के लिए हमने 3.5x11 का 4 क्विल्टेड पीस लिया है। ये देखिए 4 क्विल्टेड पीस लिया है और इसमें हमने देखिए एक साइड से शेप में कट किया है। हाफ इंच पे मार्क करके हमें एक साइड से शेप में कट करना है। और ये हमने देखिए एक प्लेन पीस लिया है और एक प्रिंटेड पीस लिया है। आप चाहे तो एक ही कलर से इस बैग को स्टिच कर सकती हैं। तो 3.5x11 के हमें 4 क्विल्टेड पीस लेने हैं और 3.5x11 के हमें 4 प्लेन पीस लेने हैं। और इस प्लेन पीस को भी हमने देखिए एक साइड से शेप में कट कर लिया है। तो 3.5x11 के हमें 4 प्लेन पीस लेने हैं और ये हमने 7x16.5 का 2 क्विल्टेड पीस लिया है। 7x16.5 का 2 क्विल्टेड पीस लेना है और 7x11 का हमें ये क्विल्टेड पीस लेना है। देखिए 7x11 का हमें एक क्विल्टेड पीस लेना है और ये हमने 17 इंच की 2 जिप ली है। ये देखिए 17 इंच की हमें 2 जिप लेनी है और इसमें हमें डबल रनर डालना है। दोनों जिप में हमें डबल रनर डालना है। और ये हमने 12 इंच का एक हैंडल लिया है। 12 इंच का हमें एक हैंडल लेना है और 1.5 इंच की ये हमें पाइपिंग लेनी है। सबसे पहले हम 7x16.5 का ये दोनों क्विल्टेड पीस लेंगे और इसमें से एक पार्ट लेंगे। और ये देखिए 16.5 का साइड है और ये 7 का साइड है। तो 16.5 की साइड में हम यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। ऐसे हम 1.5 इंच पे इस साइड हम देखिए सीधे मार्क कर लेंगे। 1.5 इंच पे इस साइड हमने देखिए सीधे मार्क कर लिया है। अब जो हमने ये मार्क किया है इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। मार्क वाली लाइन पे हमने इस क्विल्टेड पीस को कट कर लिया है। अब ऐसे ही इस वाले क्विल्टेड पीस को भी 1.5 इंच पे मार्क करते हुए कट कर लेंगे। इस क्विल्टेड पीस को भी हमने देखिए 1.5 इंच पे मार्क करके सीधे कट कर लिया है। और अब हमें ये 17 इंच की जिप लेनी है और जिप को हम देखिए ऐसे सेट करेंगे। ये सीधा साइड है तो ये सीधा साइड है, उल्टी जिप हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे और सीधे स्टिच करके इसमें अटैच करेंगे। इसके बाद इसको बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे और जिप की दूसरी साइड में इस वाले क्विल्टेड पीस को इसमें स्टिच करके अटैच कर देंगे। और ऐसे ही इस वाले क्विल्टेड पीस में भी हमें इस जिप को अटैच करना है। तो हम ऐसे सेट करेंगे जिप को और सीधे स्टिच करके जिप को हम क्विल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। दोनों क्विल्टेड पीस में हमने देखिए जिप को स्टिच करके अटैच किया और इसमें हमने दाब सिलाई दे दी है। अब हम दोनों जिप में रनर डालेंगे। तो ये हम रनर लेंगे और दोनों साइड से एक रनर इस साइड से और एक रनर इस साइड से, दोनों साइड से दोनों जिप में हम रनर डाल लेंगे।
दोनों जिप में हमने रनर डाल लिया है और अब हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है। ये ऐसे हम इस वाले पार्ट को फोल्ड करेंगे और इसमें हम सेंटर का मार्क लगा लेंगे। जिप के नीचे की साइड में हमें सेंटर का मार्क लगाना है। ये देखिए, ये हमने सेंटर का मार्क लगा लिया है और सेंटर के मार्क से यहाँ पर 2.5 इंच पे यहाँ पर नीचे की साइड में डाउन करेंगे। ये हमने देखिए 2.5 इंच पे डाउन किया और सेंटर के मार्क से अब हम इस साइड यहाँ पर 4 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये हमने 4 इंच पे मार्क किया और ऐसे ही इस साइड भी हम सेंटर के मार्क से 4 इंच दूसरी साइड पर भी मार्क कर लेंगे। इस साइड भी हमने देखिए 4 इंच पे मार्क कर लिया है। जो हमने ये 4 इंच पे मार्क किया है, इसको भी हमें 2.5 इंच पे नीचे डाउन करना है। ये हमने देखिए डाउन किया और ये 4 इंच का मार्क है और ऐसे ही इस साइड भी 2.5 इंच पे नीचे डाउन कर लेंगे। ये हमने डाउन किया और ये 4 इंच का मार्क है और अब हमें ये 12 इंच का हैंडल लेना है और हैंडल को हम थोड़ा सा अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे और इस साइड से यहाँ पर 1.5 इंच पे अंदर की साइड में मार्क कर लेंगे। ये हमने मार्क किया और ऐसे ही दूसरी साइड में भी एक साइड से देखिए ऐसे हल्का सा फोल्ड करना है अंदर की साइड में और 1.5 इंच पे यहाँ पर ऐसे मार्क करना है। दोनों साइड से देखिए हमने मार्क कर लिया है। अब जो हमने यहाँ पर देखिए 4 इंच पे मार्क किया है और 2.5 इंच पे डाउन किया है, इस हैंडल को थोड़ा सा अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए और मार्क वाले पॉइंट पे हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे। ये जो 2.5 इंच मार्क किया है, इसको हम देखिए ऐसे सेंटर पे रखेंगे। इस हैंडल को हम देखिए ऐसे सेंटर में सेट करेंगे और पिन लगा लेंगे। पिन से हमने देखिए एक साइड से सेट कर दिया है और ऐसे ही दूसरा साइड लेंगे और हैंडल को अंदर की साइड में करते हुए जो 2.5 इंच पे डाउन किया है, उस मार्क वाली लाइन पे हम देखिए सेंटर में रखेंगे। ये देखिए ये डाउन किया है तो हम देखिए ऐसे सेंटर में रखेंगे, ऐसे हमें रखना है और यहाँ पर सेट करते हुए इस साइड भी हमें पिन लगाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस हैंडल को हम यहाँ से ऐसे स्क्वायर शेप में इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से स्टिच करके हैंडल को इसमें अटैच कर देंगे। दोनों साइड से स्टिच करके हमने हैंडल को अटैच कर दिया है। देखिए स्क्वायर शेप में स्टिच करना है और दोनों साइड से हैंडल को अटैच करना है और अब हमें 3.5x11 का ये क्विल्टेड पीस लेना है और इसको हम पहले ऐसे फोल्ड करेंगे और जिस साइड हमने शेप दिया है, देखिए हाफ इंच मार्क करके कॉर्नर पे हमने दोनों साइड से शेप पे कट किया है सारे क्विल्टेड पीस को और प्लेन पीस को। और अब देखिए जिस साइड शेप दिया है उस साइड ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सेंटर का मार्क लगा लेंगे, हल्का सा कट लगा लेंगे और ऐसे ही इस वाले क्विल्टेड पीस को भी हम फोल्ड करेंगे और जिस साइड हमने शेप दिया है उस साइड सेंटर का कट लगा लेंगे। इस साइड भी हमने सेंटर का कट लगा लिया है। अब ऐसे ही इस वाले पार्ट में भी हम फोल्ड करेंगे और इसमें भी सेंटर का कट लगा लेंगे। दोनों क्विल्टेड पीस में भी हमने सेंटर का कट लगा लिया है। अब देखिए एक पार्ट लेंगे इसमें से और इस वाले पार्ट को देखिए ऐसे सेट करेंगे। दोनों सीधा साइड अंदर की साइड में होगा और दोनों सेंटर के कट को ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पर पिन लगा लेंगे। और ये हमने इस साइड देखिए पिन लगा ली है। अब देखिए यहाँ पर इस जो हमने शेप दिया है, शेप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको इस वाले पार्ट को ऐसे करते हुए यहाँ पर सेट करेंगे और पिन लगा लेंगे। अब ऐसे ही दूसरी साइड में भी हम इसको सेट करते हुए इस साइड भी ऐसे सेट करेंगे और ऐसे हम शेप में स्टिच करके इस वाले क्विल्टेड पीस को जिप वाले पार्ट में अटैच करेंगे और ऐसे ही इस वाले पार्ट में भी हमें इस क्विल्टेड पीस को इसमें अटैच करना है। तो हम देखिए सेंटर से स्टिच करना शुरू करेंगे और ऐसे शेप में स्टिच करते हुए दोनों साइड से हम इस क्विल्टेड पीस को इसमें अटैच कर देंगे। दोनों क्विल्टेड पीस में हमने देखिए इस पार्ट को शेप में स्टिच करके देखिए अटैच कर दिया है और अब हमें 3.5x11 का ये प्लेन पीस लेना है। देखिए दो प्लेन पीस लेंगे और जिस साइड हमने शेप दिया है प्लेन पीस में, उस साइड हम फोल्ड करके पहले सेंटर का कट लगा लेंगे दोनों प्लेन पीस में। दोनों प्लेन पीस में भी हमने सेंटर का कट लगा लिया है। अब हम एक प्लेन पीस लेंगे और इस पार्ट को लेंगे और यहाँ पर इस साइड से हमें देखिए इस प्लेन पीस को ऐसे सेट करना है। ठीक है, ऐसे सेट करेंगे सेंटर के कट से इसको मिलाते हुए यहाँ पर सेट करेंगे और पिन अप कर लेंगे।
पिंजे सेट कर दिया है सेंटर के कट से मिलाते हुए। अब इस प्लेन पीस को भी हम देखिए, जैसे हमने शेप में साइड स्टिच किया है, ऐसे ही इस प्लेन पीस को भी हम देखिए यहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे। देखिए ऐसे रखेंगे और ऐसे शेप में स्टिच करते हुए इस साइड से हम पूरा ऐसे यहाँ तक शेप में स्टिच करके इस प्लेन पीस को इस साइड से अटैच करेंगे। और ऐसे ही इस वाले क्विल्टेड पीस में इस वाले प्लेन पीस को स्टिच करके हम अटैच करेंगे। तो हम देखिए इस साइड से ऐसे हम सेट करेंगे और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे और इसमें अटैच कर देंगे। दोनों क्विल्टेड पीस में हमने देखिए प्लेन पीस को ऐसे शेप में स्टिच करते हुए अटैच कर दिया है। अब इसको हम देखिए ऐसे पलट के बैक साइड में कर लेंगे, इस प्लेन पीस को इस साइड कर लेंगे। ये हमने सेट कर लिया और ऐसे ही इस वाले पार्ट को भी हम बैक साइड में प्लेन पीस को सेट कर लेंगे। दोनों प्लेन पीस को हमने देखिए बैक साइड में सेट कर लिया है। अब हम ये जो ओपन पार्ट है यहाँ पर सीधे स्टिच करते हुए इस साइड से और इस साइड से, इस क्विल्टेड पीस में इस साइड से सीधे स्टिच करके दोनों साइड से हम प्लेन पीस को इसमें अटैच कर देंगे। सीधे स्टिच करते हुए दोनों क्विल्टेड पीस में हमने देखिए प्लेन पीस को इसमें अटैच कर दिया है और इसमें देखिए स्टिच लाइन जो है वो प्लेन पीस के साथ में अंदर ही इसमें कवर हो गई है और अंदर का पार्ट देखिए नीटली अटैच हो गया है। अब जैसे इस क्विल्टेड पीस को हमने इस साइड अटैच किया है, ऐसे ही 3.5x11 का दूसरा क्विल्टेड पीस लेंगे। ये हमने 4 क्विल्टेड पीस लिए थे, देखिए 4 क्विल्टेड पीस लिए थे, इसको भी हम बॉटम की साइड में यहाँ पर इस क्विल्टेड पीस को स्टिच करके अटैच करेंगे। तो हम पहले फोल्ड करके दोनों क्विल्टेड पीस में सेंटर का मार्क लगा लेंगे। जिस साइड हमने शेप दिया है उस साइड हमें सेंटर का कट लगाना है। अब दोनों क्विल्टेड पीस में हमने सेंटर का कट लगा लिया है। अब इसमें से एक पार्ट को लेंगे और इस साइड हम ऐसे इसको इस साइड कर लेंगे और यहाँ पर ऐसे फोल्ड करके इस साइड भी हम सेंटर का कट लगा लेंगे। दोनों क्विल्टेड पीस में हमने देखिए सेंटर का कट लगा लिया है। अब इसमें से हम एक पार्ट लेंगे और इसको देखिए ऐसे सेट करेंगे। ये देखिए सीधा साइड अंदर की साइड में होगा और सेंटर के कट से सेंटर के कट को दोनों को ऐसे मिलाएंगे और इस साइड हम पिन लगा लेंगे। इस साइड हमने देखिए पिनअप कर लिया है। अब देखिए जैसे हमने इस क्विल्टेड पीस में इस साइड यहाँ पर शेप में स्टिच करते हुए अटैच किया है, ऐसे ही इस वाले पार्ट को भी हम देखिए ऐसे शेप में स्टिच करते हुए इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से स्टिच करके दोनों क्विल्टेड पीस में इस वाले पार्ट को अटैच करेंगे। तो हम देखिए सेंटर से स्टिच करना शुरू करेंगे, दोनों सेंटर के कट को मिलाते हुए यहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे, ऐसे स्टिच करेंगे, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक स्टिच करके इस क्विल्टेड पीस को अटैच कर देंगे। दोनों क्विल्टेड पीस में इस वाले क्विल्टेड पीस को हमने देखिए शेप में स्टिच करके अटैच कर दिया है। देखिए साइड भी स्टिच कर लिया है और अब हमें 3.5x11 का ये दोनों प्लेन पीस लेना है और जिस साइड हमने शेप दिया है उस साइड हमने सेंटर का कट लगा लिया है दोनों प्लेन पीस में। और अब इसको देखिए ऐसे रखना है, इस वाले पार्ट को देखिए हम ऐसे रखेंगे और ये जो प्लेन पीस है प्लेन पीस को देखिए ऐसे रखेंगे, सेंटर के कट से मिलाते हुए यहाँ पर सेट करेंगे और पिन लगा लेंगे। ये हमने पिन अप कर लिया है साइड और इसको भी हम देखिए ये जो क्विल्टेड पीस है इसे अंदर की साइड में करते हुए और यहाँ से इसको स्टिच करना शुरू करेंगे प्लेन पीस को, और ऐसे शेप में स्टिच करते हुए इस साइड से हम यहाँ तक स्टिच करके इस प्लेन पीस को इसमें अटैच कर देंगे। और ऐसे ही इस वाले क्विल्टेड पीस में इस वाले प्लेन पीस को सेट करते हुए स्टिच कर लेंगे और इसमें अटैच कर देंगे। दोनों क्विल्टेड पीस में देखिए फ्रेंड्स हमने शेप में ऐसे स्टिच करते हुए प्लेन पीस को अटैच कर दिया है। देखिए इस साइड से हमें ऐसे स्टिच करते हुए इसमें अटैच करना है प्लेन पीस को। अब इस प्लेन पीस को भी ऐसे पलट के हम बैक साइड पे कर लेंगे। ये हमने देखिए बैक साइड में पलट लिया है और इस साइड भी देखिए स्टिच लाइन हमारी इस प्लेन पीस के साथ में अंदर ही कवर हो गई है। अब इस प्लेन पीस को ऐसे सेट करके पहले हम इसको भी पलट लेंगे
और इस प्लेन पीस को भी हम देखें इस साइड सीधे स्टिच करते हुए इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से स्टिच करके हम प्लेन पीस को क्विल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। दोनों क्विल्टेड पीस में हमने देखिए प्लेन पीस को सीधे स्टिच करते हुए अटैच कर दिया है। देखिए ये अटैच हो गया है और अब हमें देखिए ये जो स्टिच लाइन है दोनों स्टिच लाइन को ऐसे मिलाना है और इस साइड हमें हल्का सा कट लगा के सेंटर का मार्क करना है। ये हमने इसमें कट लगा लिया है और ऐसे ही इस साइड आएंगे और इस साइड भी देखिए दोनों स्टिच लाइन को ऐसे मिलाएंगे। देखिए जो स्टिच लाइन है उसे हमें मिलाना है दोनों को और इस साइड भी ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर सेंटर का कट लगाना है और ऐसे ही इस वाले क्विल्टेड पीस में भी दोनों साइड से देखिए स्टिच लाइन को मिलाते हुए इसमें भी सेंटर का कट लगा लेंगे। इस क्विल्टेड पीस में भी हमने दोनों साइड से सेंटर का कट लगा लिया है और अब हमें 7x11 का ये क्विल्टेड पीस लेना है और 11 की साइड में हम पहले फोल्ड करेंगे ऐसे और इसमें भी दोनों साइड से सेंटर का कट लगा लेंगे। इस क्विल्टेड पीस में भी हमने दोनों साइड से सेंटर का कट लगा लिया है। अब इसमें से हम एक पार्ट को लेंगे और इसको हम देखिए ऐसे पलट के सीधी साइड कर लेंगे। ये हमने देखिए सीधी साइड कर लिया है। यहाँ पर हमने देखिए इस साइड सेंटर का कट लगाया था, इसको हम देखिए ऐसे सेट करेंगे, दोनों सेंटर के कट को ऐसे मिलाएंगे और इस साइड हम पिन लगा लेंगे और ऐसे ही दूसरी साइड में आएंगे और दूसरी साइड में हम दोनों सेंटर के कट को मिलाते हुए इस साइड भी पिनअप कर लेंगे। अब इस क्विल्टेड पीस को देखिए फ्रेंड्स, हम ऐसे पूरा शेप में स्टिच करते हुए इसमें अटैच कर देंगे जिप वाले पार्ट में। तो हम सेंटर के कट से स्टिच करना शुरू करेंगे और शेप में स्टिच करके इस क्विल्टेड पीस को हम इसमें अटैच कर देंगे। इस क्विल्टेड पीस को हमने देखिए शेप में स्टिच करते हुए इसमें अटैच कर दिया है जिप वाले पार्ट में। अब हम ये वाला पार्ट लेंगे और जिस साइड हमने जिप अटैच की है उस साइड ये जिप वाला पार्ट होना चाहिए और इसको हम इसके अंदर ऐसे सेट करेंगे कि ऐसे दोनों सीधा साइड देखिए अंदर की साइड में है और इसको हम देखिए ऐसे सेट करते हुए पहले हम सेट कर लेंगे, इसके बाद पिनअप करेंगे। अब देखिए इस साइड हमने यहाँ पर सेंटर का कट लगाया था, इस सेंटर के कट को और इसको दोनों को मिलाएंगे और यहाँ पर पिन लगा लेंगे। ये हमने इस साइड पिनअप कर लिया है और ऐसे ही बॉटम की साइड में आएंगे, बॉटम की साइड में हम देखिए दोनों सेंटर के कट को मिलाते हुए इस साइड भी पिनअप कर लेंगे। दोनों साइड से देखिए हमने पिन से सेट कर दिया है और अब हमें ये 1.5 इंच की पाइपिंग लेनी है। पाइपिंग को हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर देखिए ऐसे रखते हुए पाइपिंग को लेते हुए हम साथ में स्टिच करेंगे और ये दोनों क्विल्टेड पीस को अटैच करेंगे। तो हम देखिए पाइपिंग को लेते हुए स्टिच करेंगे और स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर देंगे। इस क्विल्टेड पीस को भी देखिए हमने साथ में शेप में स्टिच किया और स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर दिया है। देखिए नीटली अंदर का पार्ट अटैच हो गया है और अब हम जिप को ओपन करेंगे। इसको हम देखिए ऐसे ओपन करेंगे और इसको पलट के सीधी साइड कर लेंगे। इस क्विल्टेड पीस को पलट के हमने सीधी साइड कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, मल्टीपर्पज बैग हमारा बनके रेडी है। देखिए अंदर की साइड में काफी स्पेस है, यहाँ पर अपना कोई भी सामान सेट करते हुए जिससे इसको लॉक कर दीजिए। दोनों साइड से देखिए ऐसे लॉक करेंगे और ऐसे ही इस पॉकेट को भी जब हम ओपन करेंगे तो इसमें भी अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस है, इसको भी हम देखिए ऐसे लॉक कर देंगे और इस हैंडल से हम इसको कैरी करेंगे। ये बैग काफ़ी यूजफुल है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये मल्टीपर्पज़ बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।